हेलो फ्रेंड्स बेटा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है, अबाउट द वेपर प्रेशर। ठीक है, तो वेपर प्रेशर में, ठीक है, तो लास्ट लेक्चर की मैं छोटी सी रिकैपिंग करना चाहूँगा। कुछ बच्चों के मैसेज आए थे बेटा। सबसे पहली बात तो ये कि अपन ने कल जितनी स्टडी की थी उसमें से मैं कुछ चीज़ें लिख देता हूँ आपको बेटा, केवल उतनी ही चीज़ें याद रखनी है। उसमें से सबसे पहला तो ये कि डेफिनेशन ऑफ वेपर प्रेशर, कि वेपर प्रेशर की डिफिनीशन क्या होती है आपको ये याद रखना है, जैसे मैंने समझाया था, ओके है। दूसरा आपको फैक्टर इफेक्टिंग दी वेपर प्रेशर, इसमें मैंने बताया था, यानी कि फैक्टर जो क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं किसको, इफेक्ट करते हैं किसको, वेपर प्रेशर को, आपको ये याद रखना है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, ठीक है, ये इतना क्या था अपना, बोर्ड का मैटर है। उसके आगे जो मैंने ये बताया बेटा, ये एडवांस लेवल तक जाता है कॉम्पिटिशन का, ठीक है, जिसमें मैंने आपको क्लॉसियस इक्वेशन बताई थी। अगर आप इसको याद रखना चाहते हैं क्लॉसियस इक्वेशन में, तो मैंने दो इक्वेशन बताई थी, दोनों में स्टार्टिंग में, एक जो मैंने इक्वेशन नंबर आपको फर्स्ट बताई थी और जो एक लास्ट इक्वेशन डिराइव करके बताई थी, ये वाली केवल यही दोनों बेटा आपको याद रखना है। उससे ज़्यादा याद रखने जरूरत नहीं है, क्योंकि डेरिवेशन कभी भी पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। हाँ, डिफरेंट जो है टेम्परेचर दे करके उस पर क्वेश्चन आ सकते हैं, इस वजह से मैंने बोला कि इक्वेशन याद रख लीजिएगा, बस केवल अपने को इतना ही याद रखना है लास्ट लेक्चर में, ओके है क्या, ठीक है। चलिए अब अपन जो है आगे बढ़ेंगे, ठीक है, और समझेंगे एक नए टॉपिक को। ये आज का जो अपना टॉपिक है ये है कॉन्सेप्ट ऑफ बबल पॉइंट एंड ड्यू पॉइंट। बेटा आज हम लोग समझेंगे कि ये बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट का जो है कॉन्सेप्ट क्या होता है, इस पे भी क्या बेटा काफ़ी ज़्यादा अच्छे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, तो आज हम इनको सीखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये समझाना, इसको मैं शॉर्ट में यहाँ पे मैं इसको बार बार बीपी लिखूंगा, इसको मैं बार बार डीपी लिखूंगा, चल जाएगा, ओके है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग बबल पॉइंट की, कि सर ये बीपी होता क्या चीज़ है, ठीक है। चलिए इसको समझा देता हूँ बेटा। ये जो बबल पॉइंट है, जैसे अपन क्या करें, अगर जो है जैसे मैंने बताया था कि अपन ने क्या किया, कोई एक जो है कंटेनर था, इसमें लिक्विड भरी हुई थी, ठीक है। तो लिक्विड क्या होता है, जैसे इसमें फिल हुई है, इसमें मैंने बोला कि अभी क्या है इसके अंदर, अभी अपन प्योर की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या है, प्योर लिक्विड ए भरा हुआ, ए के ढेर सारे इसमें क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। अब ये क्या होगा, जब यहाँ पे सरफेस पर भी होंगे, जो होंगे बता चुके हैं, जिनके काइनेटिक ज़्यादा होगी, अंदर भी होंगे, तो जब जो है ये यहाँ पे जब इवेपरेशन स्टार्ट होता है, इवेपरेशन स्टार्ट होगा, तो जो जब फर्स्ट ड्रॉप, इसकी कौन सी फर्स्ट ड्रॉप जब वेपर पे जो है कन्वर्ट होती है, देन दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज बीपी। अरे वैसे बबल पॉइंट यानी कि पहला बबल बन जाए, बबल पॉइंट यानी पहला बबल, यानी कि पहला बबल यानी कि पहला जो है वेपर जो मॉलिक्यूल बनेगा उस पॉइंट को क्या कहा जाता है, बबल पॉइंट, यानी कि द पॉइंट एट विच दी कह सकते हैं, द पॉइंट एट विच फर्स्ट बबल लिख सकते हैं, फर्स्ट बबल और वेपर बिकम्स फॉर्म, जिस पर क्या होता है बेटा, सबसे पहला बबल या सबसे पहला वेपर जो है ड्रॉप जो बनता है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड एज, उसे क्या कहते हैं, बीपी, ठीक है, उसे कहते हैं बबल पॉइंट। बेटा बबल पॉइंट से हमने एक चीज समझा क्या, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस लिक्विड के अंदर बबल पॉइंट पे क्या होता है, बबल पॉइंट की बात करेंगे, मिनिमम क्या चीज़ रहेगा, ठीक है, तो बबल पॉइंट पे क्या है, केवल एक वेपर का है, वो मिनिमाइज हम एकदम मिनिमम मानेंगे, तो यानी कि इसमें क्या है, उस किसी भी बबल पॉइंट में किसी भी लिक्विड के अंदर सबसे कम क्या होता है, वेपर होता है, क्या होता है, वेपर, या फिर इसको हम गैस कह सकते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम इसमें क्या होगा, इसमें मैक्सिमम क्या रहेगा, लिक्विड क्या रहेगा, इसमें मैक्सिमम लिक्विड रहता है, आ रही बात समझ में, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे सर ये ड्यू पॉइंट क्या होता है, ड्यू पॉइंट, ठीक है, तो क्या होगा, आफ्टर सम टाइम सपोज कर लेते हैं इसको, ठीक है, कि धीरे धीरे क्या होता है, इसका वेपर बनना स्टार्ट हो गया, वेपर बनता चला जा रहा है, ठीक है। और वेपर बनते बनते यानी कि ये एक ऐसा सोल्यूशन था जिसमें लिक्विड और जो है अपना वेपर, लिक्विड और वेपर का जो इक्विलिब्रियम है ये जल्दी इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा है, और अपन क्या देख रहे हैं, और सारे धीरे धीरे करके सब जो है जितने भी अपने पास लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स थे वो सारे ख़त्म हो गए, अब अपने पास लास्ट वाला लिक्विड का एक मॉलिक्यूल अभी है, एक लिक्विड ड्रॉप अभी बचा हुआ है, ठीक है, सब वेपर में कन्वर्ट हो चुका है, केवल कितना अपने पास, एक है,
ठीक है। तो जो लास्ट वाला है, जिस पॉइंट पे ये जो लास्ट वाला जो लिक्विड मॉलिक्यूल है वह जब वेपर में कन्वर्ट होता है, देन दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज डीपी, यानी कि ड्यू पॉइंट, यानी कि ऐसा पॉइंट, दी पॉइंट इज यही पॉइंट, दी पॉइंट एट विच, ठीक है, लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड बिकम्स वेपोराइज्ड, वेपोराइज्ड, ठीक है। जिसमें क्या होता है बेटा, जो लास्ट ड्रॉप होगा उस लिक्विड का वो क्या होता है, वेपोराइज हो जाता है, देन दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज डीपी। अब बात कर लेंगे सर इसमें मिनिमम क्या चीज हो सकती है, मैक्सिमम, बेटा इसमें मिनिमम क्या है, सबसे कम क्या होगा, सबसे कम क्या होगा इसमें लिक्विड होगा, अरे बस में लिक्विड क्या होगा उस समय, सबसे कम होगा। बात करेंगे सर सबसे ज्यादा क्या होगा इसमें, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम इसमें सबसे ज्यादा क्या होगा इसमें, वेपर होंगे, यानी कि यहाँ पे नेग्लिजिबल होगा वेपर, यानी कि हम गैस भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। यानी कि जब डीपी की बात करेंगे तो किसी भी लिक्विड के अंदर, ठीक है, क्या होगा सबसे ज्यादा, लिक्विड होगा, ठीक है, और उसमें वेपर बहुत कम होती है, ठीक है। और जो डीपी होता है उनमें क्या होता है कि उसमें मैक्सिमम वेपर क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, लेकिन मिनिमम पूछा जाए तो क्या होती है, लिक्विड। अब बात करेंगे सर ये दोनों जो है समझाए गए हैं तो इससे अपने को क्या लेना देना है, मैं बताता हूँ आपको एक चीज याद रखनी है इसमें। बेटा देखो सिंपल सी बात है कि हम लोग ये जो पढ़ते हैं कि लिक्विड, जो मैंने समझाया था आपको, लिक्विड और वेपर का जो इक्विलिब्रियम होता है, लिक्विड और वेपर का इक्विलिब्रियम होता है, ये कभी भी जो है बीपी से कम या डीपी से ज़्यादा के बीच में नहीं आ सकता, ये इम्पॉसिबल है। अरे बात समझ में, यानी कि ये जो इक्विलिब्रियम है, ठीक है, विल बी इस्टेब्लिश्ड बिटवीन, बी बाई डब्ल्यू लिख रहा हूँ शॉर्ट में, बिटवीन बीपी एंड डीपी, यानी बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट। बबल पॉइंट यानी कि जब अपने एक वेपर नहीं बना हुआ था, बेटा जब वेपर ही नहीं बना था तो ये लिक्विड वेपर जो है कहाँ से आएगा, पहली बात। और जब लास्ट वाला रह जाएगा, अगर हम क्या कहेंगे, अगर जो है डीपी भी खत्म हो जाए, ड्यू पॉइंट भी चला जाए, तो उसमें ओनली वेपर रह जाएंगे, तो भी इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। यानी कि स्टार्टिंग से लेकर के जब पहला वेपर बने, जब पहला बूंद किसका बना है, पहला बबल बना है, पहला बबल यानी कि पहला वेपर बना है, और लास्ट वाला जब क्या रह जाए, केवल एक लिक्विड मॉलिक्यूल ड्रॉप रह जाए, उसके बीच में लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम आ सकता है। याद रखेंगे ये दोनों जो है इन्हीं के बीच में रहेंगे, ना तो इनसे ज़्यादा ना तो इनसे कम। बीपी से कम होगा तो भी, बबल पॉइंट से कम पे जाएंगे तो भी लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम नहीं आ सकता, और डीपी से आगे जाएंगे तो भी ये इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश नहीं हो सकता। ये बात बेटा अच्छे से समझ जाएंगे इसको, क्लियर है ये हमारी बात समझ में, ठीक है। बेटा इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसके क्वेश्चंस क्या है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे बनते हैं, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको मैं आप लोगों को और अच्छे से, ठीक है, थोड़ा सा इंटरनल और एक जो है एक्सपेरिमेंटल व्यू से मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन इसको समझने के पहले मैं कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये लिक्विड वेपर का केस है, यानी या लिक्विड गैस का केस है, तो इसलिए मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, तो आप इसको नोट बना करके लिख सकते हैं इसमें जैसे। अच्छा बेटा एक बात बताइए, अगर मुझको क्या है, कोई गैस है, कोई गैस है, या हम इसको क्या कहें, वेपर कहें, इसको हमको चेंज करना है किसमें, लिक्विड में, तो बताइए हम क्या कर सकते हैं। कोई गैस है, ठीक है, या वेपर है, उसको हमको लिक्विड में बदलना है, हम क्या करेंगे बेटा, प्रेशर बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, प्रेशर को अगर हम प्रेशर को बढ़ा देते हैं, ठीक है, अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो गैस क्या होगी, कंडेंस होने लगेगी, जितना ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे, ठीक है, उतनी तेजी क्या होगी, कंडेंस होने लगेगी, और क्या हो जाएगी, वो जो है लिक्विड में चेंज हो जाएगी। और ठीक इसके अपोजिट में अगर क्या होता है, अगर कोई लिक्विड है, ठीक है, इसको हमको क्या करना है, गैस या वेपर में चेंज करना है, तो क्या करना पड़ेगा, प्रेशर को कम करना पड़ेगा। अरे बात सुनिए, अगर हम क्या करेंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे, यानी प्रेशर को क्या करेंगे, कम करेंगे, तो ये इसमें चेंज हो जाएगा, ठीक है, और प्रेशर जब बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम, और प्रेशर घटेगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, क्योंकि ये दूसरे क्या होते हैं, इन्वर्सली होते हैं, ये बढ़ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आती है, देख लेंगे बेटा, इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है अपने पास, ठीक है, अच्छे से देख लेंगे इसको। अगर गैस चेंज होता है लिक्विड में, तो यानी कि प्रेशर वहाँ पे ज़्यादा होगा, और जो है प्रेशर ज़्यादा रहेगा तभी ये हो सकता है, और लिक्विड जो है गैस में तभी चेंज हो सकता है जब प्रेशर कम रहेगा। क्या इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। अब वॉल्यूम पीवी इक्वल टू एनआरटी सब जानते हैं, ये क्या होते हैं, एक दूसरे क्या होते हैं, इन्वर्सली होते हैं। आगे बात समझ में, चलिए अब इसका मैं कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता हूँ। इसका एक्सप्लानेशन है, एक्सप्लानेशन ऑफ, हेडिंग रहेगी एक्सप्लानेशन ऑफ बीपी एंड डीपी, बबल पॉइंट और
ड्यू पॉइंट का एक्सप्लेनेशन। ठीक है, चलिए बेटा, यानी कि ये जो है किस तरह से इफेक्ट होंगे इनको समझते हैं। सपोज करते हैं अपन, बेटा आप लोग एक बात याद रखिएगा हमेशा कि कोई भी टॉपिक अगर बेटा आपको समझ में नहीं आता है, ठीक है, ब्रह्मा नहीं हूँ मैं, ठीक है, तो आपको ये बात हमेशा याद रखनी होगी कि जब भी कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है बेटा, आपको क्या करना है बेटा, पूछना पड़ेगा, ठीक है, बताना पड़ेगा, ठीक है, तब जा करके मुझको समझ में आएगा। तो इसके लिए आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, आप स्टडी कॉन्टिन्यूस रखिए, ठीक है बेटा, कहीं भी दिक्कत आ रही हो तो आप जो है मुझसे जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसमें। तो यहाँ पे मैंने क्या है बेटा, अभी जो है यहाँ मैंने एक पिस्टन लगा दिया है, पिस्टन समझते हैं सभी ने, ठीक है, पिस्टन, वो जिससे जो है अपन ऐसे प्रेस करते हैं, दबाते हैं, ठीक है, ये ऐसे करके मैं बता देता हूँ और आसानी समझ जाएंगे इसको, ठीक है। यहाँ क्या लगे पिस्टन, इसको मैं प्रेस करूँगा तो यानी कि क्या प्रेशर लगेगा, अगर मैं इसको दबाता हूँ तो क्या होगा, दबाएंगे तो प्रेशर बढ़ रहा है, उठाएंगे तो प्रेशर कम हो रहा है, आ रही बात समझ में इसको, अगर मैं इसको राइज करूँगा तो प्रेशर कम और डाउन करूँगा तो प्रेशर ज़्यादा रहेगा, समझ में आ गया ये, ठीक है। अब क्या है, सपोज कर लेते हैं कि ये अपने पास, ठीक है, ये पूरा यहाँ तक भरा हुआ है, ये अपना है प्योर लिक्विड ए है, अपने पास ये प्योर लिक्विड ए है। सपोज कर लेते हैं कि यहाँ तक तो ये पूरा लिक्विड फॉर्म में है, यहाँ तक ये पूरा क्या है लिक्विड फॉर्म में है, और इसके ऊपर क्या है यहाँ पर वेपर बनी हुई है, ठीक है। अगर मैं पिस्टन को एकदम सटा के रखूँ, पूरा यहाँ तक है वेपर, ठीक है, तो बेटा और सपोज कर लेते हैं कि इसमें कुछ भी, या फिर पहले केस में हम ये मान लेते हैं, चलिए हटा दीजिए, सेकंड केस में मैं समझाता हूँ, सपोज कर लेते हैं इसमें फर्स्ट केस में कि इसमें पूरा का पूरा क्या है लिक्विड भरा हुआ, क्या इसमें अगर पूरा यहाँ तक लिक्विड रहेगा तो क्या इसमें इस केस में क्या लिक्विड वेपर का जो है इक्विलिब्रियम आएगा क्या, नहीं, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि बेटा इसमें जो है वेपर प्रेजेंट ही नहीं है, आ रही बात समझ में, और वेपर प्रेशर लाने के लिए हमको क्या चाहिए, वेपर जरूर चाहिए, ठीक है, तो इतना प्रेशर लगा दिया इस पर, आ रही बात समझ में, ठीक है, ये प्योर लिक्विड ए था, इसमें वेपर बनी ही नहीं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ठीक है, रेज दी पिस्टन, हम क्या करेंगे बेटा, अब पिस्टन को थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं, इसको क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं, ठीक है बेटा, हम जैसे ही थोड़ा सा इसको ऊपर उठाएंगे, सपोज कर लेते हैं अपन कि पिस्टन को अपन ने क्या किया है बेटा, अपन ने पिस्टन को थोड़ा सा ऊपर कर दिया, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो पक्का यहाँ पे थोड़ी सी जगह खाली हो जाएगी, अरे बात समझ में, समझ आता है इतना, ठीक है। अब क्या है, जगह खाली हो गई, ठीक है, यहाँ पूरा लिक्विड भरा हुआ था, ठीक है, ये भी प्योर लिक्विड है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे थोड़ी सी जगह खाली होगी, सपोज करते हैं कि इसका जो वॉल्यूम अब आ रहा है, इसको मान लेते हैं अपन वी वन, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या है, इसमें जैसे ही बेटा जैसे अपन पिस्टन को ऊपर उठाएंगे क्या करेगा, वेपर बनाने लगेगा, और जैसे पहला वेपर बनेगा, जिस पॉइंट पे सबसे पहला वेपर बनेगा, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज बबल पॉइंट, उसे क्या कहेंगे, बबल, जैसे पहला बनेगा, फिर आफ्टर सम टाइम पूरा ये जो पोर्शन इतना खाली है अपने पास, इसमें क्या हो जाएगा, वेपर भर जाएगी, आ रही बात समझ में, ठीक है। अब क्या है, सपोज कर लेते हैं कि ये वी वन है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन कर सकता है आपसे कि बताइए इसमें कितने अमाउंट वेपर के बने हुए हैं, ये प्योर लिक्विड ए है, ठीक है, इसमें कितना वेपर बना हुआ है, तो आप सभी जानते हैं कि फार्मूला होता है जो है आइडियल इक्वेशन का, पी वी इक्वल टू क्या होता है एन आर टी, ठीक है, और टेम्परेचर क्या है कॉन्स्टेंट, आर भी कांस्टेंट है, इसमें से ये नंबर आप मोल निकालेंगे, उससे अपन ग्राम वेट को कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब वॉल्यूम यहाँ पे पता चल गया क्या है, वी वन है, मैं बोल देता हूँ, अब जब प्रेशर बन, जब यहाँ पे वेपर बनेंगे तो यहाँ प्रेशर भी लगेगा, और सपोज कर लेते हैं स्टार्टिंग से कि इसका जो प्रेशर आया है बेटा, जो प्रेशर आया है स्टार्टिंग से, जो प्रेशर है मान लेते हैं अपन की 4 atm है, कितना है ये 4 atm मान लेते हैं। अब अगर पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे इसमें, तो पी वन वी वन इक्वल टू एन आर टी, आ रही बात समझ में। अब जो जो है अपने को प्रेशर पता है 4 atm है, जो अपने को वॉल्यूम पता है, ठीक है, आर कांस्टेंट, टी टेम्परेचर 300 केल्विन, अब एन निकालेंगे तो एन कैसे आ जाएगा, एन यहाँ से अपन कैलकुलेट करेंगे, और एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, जैसे अपन एन कैलकुलेट करेंगे तो एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन इक्वल टू होता है ग्राम वेट अपॉन क्या होता है मॉलिकुलर वेट। तो मान लीजिए यहाँ पे क्या है पूछे कि कितने ग्राम बने हैं, तो अपने को एन पता हो गया, और मॉलिकुलर वेट सपोज करिए प्योर लिक्विड वाटर था, मॉलिकुलर वेट कितना रखेंगे यहाँ पे 18 रखेंगे, 18, तो जो भी मोल आएगा उससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, पता चल जाएगा कि कितने ग्राम, क्या पता चलेगा कितने ग्राम वेपर बने हुए हैं, आगे बात समझ में, तो यहाँ से कैलकुलेशन हो जाएगा, क्लियर है। अगर ये पी वन वी वन है तो यहाँ पे टी वन और यहाँ पे एन वन कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद एक काम करता हूँ मैं बेटा पिस्टन को थोड़ा सा और ऊपर उठाता हूँ, अब मैं फिर से लिखता हूँ
रेज दी पिस्टन। बेटा पिस्टन को अब क्या कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा और ऊपर उठा रहे हैं। चलिए बेटा थोड़ा सा और ऊपर जो है पिस्टन को उठा देते हैं, ठीक है। जैसे ही आप जो है पिस्टन को बेटा फिर से क्या करेंगे, जैसे ही फिर से थोड़ा सा और ऊपर उठाएंगे, अब क्या होगा बेटा, सिंपल सी बात है, अब वेपर क्या होगा, पहले अपना केवल इतने एरिया में बनता था, अब क्या है कि सपोज करते हैं कि ये वेपर इतने एरिया में बन गई और ये कितना हो गया, V2 हो गया बलून, क्लियर है ये, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे अगर मैं आपसे फिर से यही क्वेश्चन करूँ जो मैंने इसमें बोला था, कितने ग्राम वेपर बनी है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको अभी इसीलिए जो है बीपी और डीपी समझाया है। अब यहाँ पे बीपी स्टार्ट हो चुका है, वेपर बनना स्टार्ट हो, और वेपर बनने से लेकर के वेपर जब से बनेगा तब से लेकर के लास्ट अगर एक बूंद भी वाटर है तब तक बेटा क्या हो सकता है, तब तक लिक्विड और जो है वेपर का जो है इक्विलिब्रियम हो सकता है। और जहां पर लिक्विड और वेपर एक दूसरे में इक्विलिब्रियम रहते हैं उस जगह का बेटा क्या होता है, वेपर प्रेशर हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यानी कि अगर यहां पर प्रेशर कितना है 4 atm, क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि यहां पर 4 atm है तो बताइए यहां कितना होगा। अगर यहां पर क्या है लिक्विड और वेपर एक दूसरे से क्या है बेटा, अगर एक दूसरे के क्या है इक्विलिब्रियम में है, तो यहां पर भी एक अगर क्या रहेंगे जो है बीपी और डीपी के बीच की बात करेंगे तो भी ये क्या है अभी भी ये इक्विलिब्रियम में है। यानी कि बस इसका इक्वेशन क्या लिखा जाएगा, यहाँ हो जाएगा P2V2, प्रेशर मान से P2V2 इक्वल टू क्या जाएगा N2 × RT। अरे बात समझे, अब क्या करेंगे P2 भी कितना होगा P1 के ही बराबर होगा, वॉल्यूम अपन यहाँ से देख लेंगे, उसके बाद सेम फार्मूला लगा कर निकाल लेंगे। बस इतना आप समझ गए होंगे बेटा वॉल्यूम किसका ज़्यादा है, अगर हम प्रेशर कांस्टेंट कर रहे हैं तो R कांस्टेंट, T कांस्टेंट, तो वॉल्यूम किसके हैं, N के डायरेक्टली हो गया बेटा। वॉल्यूम अगर N के डायरेक्टली है तो बताइए वॉल्यूम किसका ज्यादा है, इसका कम है इसका ज्यादा है। यानी सिंपल इन दोनों को अगर हम देखें तो सिंपल सी बात है बेटा जो V1 है वो कम है किससे, V2 से, तो सिंपल सी बात है जो N1 है वो भी कम होगा किससे, N2 से। इसका ये मतलब होता है कि बेटा जैसे जैसे आप पिस्टन उठाएंगे, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे जैसे अपन पिस्टन को उठाएंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो वेपर मॉलिक्यूल्स होंगे बिकम्स इंक्रीजेज। वैसे जैसे जैसे हम प्रेशर को क्या करेंगे, ये क्वेश्चन बेटा इतने तरीके से पूछा जा सकता है कि हम उसको माइंड मेकअप भी नहीं कर सकते, ठीक है। वैसे मैं आपको हर टाइप के क्वेश्चन इस पे कराऊंगा, क्लास नहीं उस सीट में करवाया जाएगा, ठीक है। ऑफलाइन क्लासेस जब चलने स्टार्ट हो जाएंगे तो करवाएंगे इसको। बेटा सोच के देखिए, बोल देगा ऐसे कि ये दो डायग्राम दे दिया, बोला कि जो है पहले प्रेशर इतना था, फिर प्रेशर अपन घटा सकते बढ़ा सकते हैं, अगर हम प्रेशर को कम करेंगे, ठीक है, तो वेपर क्या हो जाएगी, कम होने लगेगी, वेपर कम बनेगी, लिक्विड ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। और अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वेपर मॉलिक्यूल्स ज्यादा होने लगेंगे और लिक्विड मॉलिक्यूल्स कम होने लगेंगे। आ रही बात समझ में, तो डायरेक्ट ऐसे बना करके पूछ सकता है, बताइए N2 की वैल्यू कितनी होगी या N1 की वैल्यू कितनी होगी ऐसे करके। तो सिंपल सी बात है जो N2 होगा वो क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा, इससे अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है, अगर पिस्टन उठाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा और वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोल्स अपने आप बढ़ जाएंगे। आ रही बात समझ में बेटा, समझ में आ रही, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चंस बहुत अच्छे बनते हैं। एक काम करते हैं सर, पिस्टन को और ऊपर कर दीजिए, मैं बेटा और ऊपर कर देता हूँ इसको। अब बेटा पिस्टन को मैंने इतना ऊपर उठा दिया है, ठीक है, कि इसमें, ठीक है, अब क्या है बेटा लास्ट ड्रॉप एक बूंद बचा है केवल, और पूरा यहाँ पे मैंने पिस्टन को क्या किया है बेटा, एकदम ऊपर उठा दिया है, ठीक है। अब इसके इस कंटेनर के अंदर केवल क्या है, ओनली वेपर्स प्रेजेंट है। अब क्या है, केवल वेपर प्रेजेंट है और केवल कितना बचा हुआ, एक बूंद वाटर का भी बचा हुआ है। ये जिस पॉइंट पे वेपराइज होगा दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज, उसे क्या कहते हैं, डीपी, डी पॉइंट कहा जाता है। क्या समझ में आया, ठीक है। अब क्या बेटा, ये जो लास्ट ड्रॉप बची हुई है डीपी, ठीक है, अब क्या करें, ये अच्छा रहता है बेटा, क्या इसमें जो है वेपर प्रेशर रहेगा कि नहीं रहेगा, बेटा फोर्स रहेगा। मैंने क्या बोला कि बीपी और लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम विल बी एस्टेब्लिश बिटवीन दी बीपी एंड डीपी। ये इक्विलिब्रियम जब तक रहेगा तब तक वेपर प्रेशर रहेगा और वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, स्टार्टिंग में जितना लास्ट में जितना। यानी यहाँ पर अभी भी क्या रहेगा, लिक्विड एंड वेपर इक्विलिब्रियम में रहेंगे, ठीक है, और यहाँ का भी प्रेशर उतना ही रहेगा जितना स्टार्टिंग में है। यानी कि अगर इसमें पूछे बताइए कितनी वेपर जो है, कितने ग्राम वेपर या कितने मोल वेपर जो है वेपराइज हो चुके हैं, तो इसका भी फॉर्मूला वही लगेगा। क्या हो जाएगा, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ हो जाएगा P3। सपोज कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का वॉल्यूम कितना हो गया, V3 हो चुका है, तो P3V3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, N3 × RT। प्रेशर अभी वही रखेंगे अपन, वॉल्यूम भी वही रखेंगे, N3 जो है निकालना है अपना, और R और T यहाँ से आ जाएंगे। क्या इतनी बात समझ में आती है, ठीक है, तो अपन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं।
कहती है बेटा ये समझ में आ गया है, देख लीजिए अच्छे से, क्लियर है ये, इसको बेटा थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। सर अब क्या करते हैं, ड्यू पॉइंट भी हटा देते हैं। अपन क्या करते हैं, ड्यू पॉइंट यानी बेटा ये जो ड्रॉप बची हुई थी, सपोज करते हैं ये भी वेपर में कन्वर्ट हो चुकी है। चलिए मैं एक काम करता हूँ, पिस्टन को थोड़ा सा और ऊपर उठाता हूँ, और अब बेटा इस कंटेनर के अंदर बेटा अब एक बूंद भी वाटर नहीं है, ओनली यहाँ पर अब क्या बचा है, वेपर एंड ओनली वेपर्स, केवल वेपर्स हैं। आ रही बात समझ में? अब अगर इसमें जो है, अगर पूछें कि अब सर इसमें जो है वॉल्यूम और ये सब चीज़ें कैसे कैलकुलेट की जाती हैं, बेटा वेपर है यानी कि यहाँ पर लिक्विड और वेपर, लिक्विड तो बचा ही नहीं, तो क्या ये इक्विलिब्रियम आएगा, नहीं आएगा। क्या अपन जो है स्टार्टिंग का प्रेशर मान के चलेंगे, नहीं। तो जब वहां तक, यहां तक तो बेटा ये क्वेश्चन पूछेगा कि ग्राम वेट कितने होंगे, मोल्स कितना वेपर बना है, वहां लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछता कि पहले प्रेशर इतना था, वॉल्यूम इतना था, बताइए अब कितना होगा। तो अपन क्या करेंगे बेटा, सिंपल सी बात है, अब ये पूरा गैस हो चुका है, अब ऑल गैसेस इक्वेशंस इसमें हम क्या करेंगे, लगा देंगे। और कौन सा लगाएंगे इसमें, अपन इसमें बॉयल्स लगा लगा करके P1V1 इक्वल टू क्या करेंगे, P2V2 से अपन क्या करेंगे, स्टार्टिंग में अपने को क्या है, स्टार्टिंग में प्रेशर और वॉल्यूम दिया रहेगा, प्रेशर वॉल्यूम, और बाद में क्या कर सकता है, कोई दो में से एक देगा और एक पूछ लेगा, ठीक है। तो इस पर क्वेश्चन आ जाता है, तो ये अपना लास्ट हो गया। ये रहा आपका कॉन्सेप्ट किसका, बबल पॉइंट एंड ड्यू पॉइंट का। बेटा अच्छे से देख लीजिए, ये पूरा कॉन्सेप्ट किसका है, बीपी एंड डीपी का, इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी आगे क्वेश्चन करवाएंगे अगर टाइम रहता है तो। ओके है क्या बेटा, ठीक। चलिए बेटा अब बात करते हैं इसमें, ठीक है, याद रहेंगे ये चीज, क्लियर है पूरा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसमें, इसके आगे थोड़ा बताएंगे बेटा। अगर सिंपल सी बात है, मैं आपको एक चीज़ और इसमें समझाया हूँ कि बिफोर दी, याद रखेंगे हमेशा कुछ बातें, बबल पॉइंट क्या है, ड्यू पॉइंट क्या है, समझ गए। बबल पॉइंट में मिनिमम क्या होगा, मैक्सिमम क्या होगा, ये भी समझ गए होंगे। डीपी क्या है, इसमें मिनिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है, ये पॉइंट हो गया। नोट में ये क्यों समझाया था मैंने कि लिक्विड को गैस में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, जो है गैस को लिक्विड में चेंज करना तो प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, लिक्विड को गैस में करना प्रेशर घटाना पड़ेगा। और ये इसलिए समझाया क्योंकि मुझको एक्सप्लेन करना था किसको, जो है बीपी और डीपी को, ये मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। आपने एक चीज नोट किया होगा, मैं इस एक्सप्लेनेशन से बेटा दो पॉइंट अपने को और लिखने हैं, ठीक है, बता देता हूँ कौन कौन से पॉइंट। बेटा पहला पॉइंट तो ये, ठीक है, बिफोर दी डीपी यानी कि बिफोर दी बीपी यानी कि बबल पॉइंट, तो बबल पॉइंट के पहले अगर बबल पॉइंट नहीं है यानी वेपर नहीं है यानी कि ओनली लिक्विड बिकम्स प्रेजेंट इन सोल्यूशन, यानी कि सोल्यूशन के अंदर पूरा का पूरा क्या रहेगा, ओनली क्या रहेगा, लिक्विड रहेगा। आ रही बात समझ में, यानी कि ये किस में रहेगा, लिक्विड में रहेगा, ठीक है, यानी बिफोर दी बबल पॉइंट सोल्यूशन कंटेन ओनली लिक्विड नॉट वेपर, यानी वहां पे वेपर होता ही नहीं। आ रही बात समझ में, कभी दे दिया बबल पॉइंट इतना है, ठीक है, बताइए उसके पहले का वेपर प्रेशर बेटा कुछ नहीं होगा, जीरो होगा। आगे बात समझ में, उसके दिमाग में। आगे बात करेंगे डीपी, डीपी से ज्यादा पे क्या वेपर प्रेशर वर्क करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा बेटा। यहाँ से देखिए अब क्या वेपर है कि बेटा इक्विलिब्रियम ही नहीं है वहाँ पे। आ रही बात सुनिए, यानी कि जो है अगर बात करेंगे कि डीपी के बाद, ठीक है, बीपी के पहले क्या रहेगा, लिक्विड रहेगा, और डीपी के बाद क्या रहेगा, ओनली वेपर्स बिकम्स प्रेजेंट। बस इतना याद रखना आप लोग, इससे दो पॉइंट और निकलेंगे क्या, कि बीपी के पहले बिफोर दी बीपी सोल्यूशन कंटेन ओनली लिक्विड, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या रहेगा, बिफोर आफ्टर दी डीपी, डीपी के बाद, ड्यू पॉइंट के बाद, आफ्टर दी डीपी सोल्यूशन कंटेन ओनली, सोल्यूशन ऐसे कहा नहीं जाएगा, यह कंटेनर कंटेन ओनली वेपर, केवल और केवल कंटेनर में क्या रहेगा, वेपर रहेगा, इस केस में लिक्विड रहेगा। क्लियर है क्या, समझ में आ चुका है, ठीक। चलिए बेटा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें, और जो है अपन इसके थोड़े से ग्राफिकल टर्म्स को समझ लेते हैं, ठीक है। कल के पॉइंट में बेटा यही तीन चीज़ याद रखनी है, आज का पॉइंट पूरा का पूरा याद रखना है, नोट भी करना है इसको। इस पे क्वेश्चंस बेटा जैसा कि मैंने बताया है कि काफ़ी अच्छे बनते हैं बबल पॉइंट ड्यू पॉइंट पे, ठीक है। चलिए बेटा अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके ग्राफिकल व्यू की, ग्राफिकल व्यू बेटा, ग्राफिकल व्यू की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अपन ने जो है ये जो अपन ने यहाँ पे डायग्राम बनाया, जिसमें आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया होगा बेटा, इसमें क्या है कि दोनों चीज़ें हैं, एक बार लिक्विड है, फिर लिक्विड विद वेपर है,
आ रही बात समझ में। फिर उसके बाद क्या है, पहले अपने पास क्या था, ओनली लिक्विड था, यहाँ पे क्या है, ओनली लिक्विड है, ओनली लिक्विड है। यहाँ से यहाँ तक क्या था अपने पास बेटा, यहाँ इन तीन केस में क्या था, लिक्विड के साथ साथ, लिक्विड के साथ साथ क्या था, वेपर भी था, ठीक है। और जो सबसे लास्ट वाला केस है, इस केस में, इस केस में बेटा अपने पास क्या था, ओनली वेपर, ओनली क्या था, ओनली वेपर था। आ रही बात समझ में, ठीक है, ये तीन केस दिख गए, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि प्रेशर, तो आपने देखा होगा लास्ट में अपन पीवी की बार बार बात कर रहे थे इसमें, ठीक है, पीवी से अपन ने क्या किया, मोल निकाला, आर और टी कांस्टेंट है, ठीक है। तो चलिए अगर मैं ग्राफ की बात करूं बेटा, मैं अगर आपसे ये कहूं कि बताइए प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का ग्राफ, ठीक है। अगर मैं बात करूं फॉर वेपर ओनली, फॉर वेपर ओनली बेटा, अगर बात करें केवल वेपर्स की, किसकी बात कर रहे हैं, केवल वेपर्स की बात करें, ठीक है बेटा, वेपर्स की अगर बात करते हैं, केवल वेपर, वेपर यानी कि क्या है, गैस, क्या है ये, गैस। और गैस में क्या है कि P और V, जानते बेटा पी वी इक्वल टू क्या होता है, NRT, PV एक दूसरे क्या होते हैं, इनवर्सली होते हैं। आ रही बात समझ में, PV क्या होते हैं, इनवर्सली होते हैं। और ये बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी, जैसे अपन कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको कि बेटा अपन कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसमें अलग अलग टाइप के ग्राफ आते हैं, लेकिन अपने केमिस्ट्री में केवल दो ही टाइप के ग्राफ आएंगे, या तो क्या होगा जो है अपना रेक्टेंगुलर यानी कि कर्वेचर में रहेगा, या फिर स्ट्रेट लाइन में रहेगा। तो ये भी कैसा होगा, ये कर्व में होगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा अपने आप क्या होगा, घटेगा, कहते हैं। लेकिन ये किसका है बेटा, ये किसके लिए है, फॉर वेपर्स ओनली, गैस के लिए, आगे बस में यानी सबसे लास्ट वाले कंटेनर के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर यहाँ से यहाँ तक की बात कर लेते हैं, ठीक है बेटा, यहाँ हम नहीं बात कर सकते, ठीक है, ये अपना ओनली लिक्विड है, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं कि सर इसमें अगर हम प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ देखें तो, ठीक है, इस केस में, इन तीनों में से कोई भी केस हो, इसका बेटा ग्राफ कैसा रहेगा, तो चलिए देख लेते हैं, ठीक। इसमें अपन ने ले लिया प्रेशर और ये ले लिया वॉल्यूम ले लिया है, ठीक है। अब प्रेशर वॉल्यूम के बीच का ग्राफ पूछता है इस केस के लिए, ठीक है। तब अब ध्यान से देखेंगे इसमें क्या है, लिक्विड, जब लिक्विड चेंज हो रहा था, जब लिक्विड चेंज हो रहा था किसमें, गैस में कह सकता है या फिर वेपर में कह सकता है, तो उसका ग्राफ, लिक्विड चेंज हो रहा है किसमें, गैस या फिर वेपर में, तो उसका अगर ग्राफ आपसे पूछ रहा है कैसा होगा, तो सिंपल सी बात है बेटा, जैसे लिक्विड, तो पहले लिक्विड, अब लिक्विड चेंज होना स्टार्ट हो तो कहां से चेंज होता है बेटा, बीपी से, कहां से चेंज हो रहा है, ये बीपी से वेपर बन रही है, कहां तक बनेगी, डीपी तक, बीपी से डीपी के बीच में। और बीपी जितना स्टार्टिंग में प्रेशर था, क्योंकि चूंकि ये लिक्विड में रहेंगे, तो बीपी से लेकर के, कहां से लेकर के बेटा, बीपी से लेकर के डीपी तक, स्टार्टिंग पॉइंट कहां है बेटा, ये क्या है, बबल पॉइंट, और लास्ट में बेटा जो पॉइंट है वो क्या है, डी पॉइंट है। इनके बीच में बेटा वेपर प्रेशर क्या चेंज हुआ, नहीं चेंज हुआ, ये पूरा कॉन्स्टेंट है। सर वॉल्यूम बढ़ रहा था बेटा, बिल्कुल बढ़ रहा था, ध्यान देखिए, पहले वॉल्यूम इतना था, फिर इतना हो गया वॉल्यूम ऑफ द वेसल, फिर बाद में इतना हो गया, अरे बात समझ में, वॉल्यूम तो बढ़ता गया लेकिन प्रेशर क्या था, कांस्टेंट था। आफ्टर दिस, और बाद में, यहाँ तक तो ठीक है बेटा, इसके आगे अपन जैसे ही चलेंगे, ठीक है, जब क्या हो जाएगा, ओनली वेपर रह जाएंगी यानी ओनली गैस, और जब ओनली गैस रह जाएगा, वेपर्स ओनली यानी गैस, जब गैस रहता है तो फिर इन दोनों के बीच का ग्राफ कैसा हो जाता है बेटा, ऐसा हो जाता है, अरे बात समझ में, ठीक है। तो ये अपना ग्राफ हो गया, ये किसके लिए, ये पीवी ग्राफ किसके लिए, फॉर वेपर्स ओनली, और ये जो ग्राफ है ये पीवी ग्राफ है किसका, जब लिक्विड चेंज होता है किसमें, गैस यानी कि वेपर में चेंज होता है, ठीक है। ये ग्राफ भी बना लेंगे अपन, जो है छोटे मोटे से क्वेश्चन करके देख लेते हैं। एक पॉइंट और थोड़ा सा समझा देता हूँ बेटा, आप लोग एक बात याद रखना और इसको नोट भी कर लेना, बहुत ज़रूरी है वो, ठीक है, कंपटीशन व्यू से बेटा और जो है देखा जाए तो बहुत ज़रूरी है, तो चाहे या फिर कोई स्टार बना करके एक स्पेशल पॉइंट, अभी एक है कि याद आ गया, मैं बता देता हूँ, याद रखेंगे बेटा, जो वेपर प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड, याद रखेंगे इस चीज़ को, वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ लिक्विड यू कभी भी अमाउंट ऑफ लिक्विड पे डिपेंड नहीं करेगा, वॉल्यूम ऑफ वेसल बेटा वेसल के वॉल्यूम पे भी डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, एंड साइज और शेप ऑफ द कंटेनर, ठीक है,
किस पे नहीं डिपेंड करेगा वो, अमाउंट ऑफ द लिक्विड, कि लिक्विड का अमाउंट कितना है, वॉल्यूम ऑफ द वेसल, वेसल का वॉल्यूम कितना है, साइज और शेप ऑफ द कंटेनर, इन तीनों पे डिपेंड नहीं करता है। आई बात समझे? जैसे इस पे जैसे एक क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं, ये बात याद रखें बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विल इज ना वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है बेटा, ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वाला, मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ। कहता है, सपोज कर लेते हैं एग्जाम्पल, कहता है कि 10 ग्राम ऑफ ए लिक्विड हैविंग 10 ग्राम ऑफ ए लिक्विड हैविंग वेपर प्रेशर इक्वल टू कितना दिया बेटा, ये एक्स, ठीक है, 10 ग्राम लिक्विड है हैविंग वेपर प्रेशर कितना है बेटा, एक्स है, तो कहेगा अगर ये एक्स है, बोलेगा बताइए बेटा 50 ग्राम का कितना होगा या 70 ग्राम का कितना होगा, ठीक है, पता चले कि आप एवरेज रूल्स लगा करके गलत निकाल दे, ठीक है बेटा, चाहे वो 10 ग्राम हो, चाहे 50 ग्राम हो, चाहे 70 ग्राम हो, चाहे जो है 7 केजी हो जाए, चाहे 7000 केजी हो जाए, वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड का कभी भी अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है। यानी बेटा अगर 10 ग्राम का वेपर प्रेशर कितना है, एक्स है, तो 50 का भी एक्स होगा, 70 का भी एक्स ही रहेगा। क्या इतनी बात समझ में आती है? ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन जो है इसके आगे बढ़ा देते हैं। जैसे ऐसे ही बता देता हूँ अभी, दो तीन क्वेश्चन और आगे करवा देते हैं। क्वेश्चन ये है कि सपोज करिए कि एक कंटेनर था, ठीक है, ये जो कंटेनर है इसका जो वॉल्यूम है वो था 5 लीटर, कितना था ये 5 लीटर, इसमें एक लिक्विड भरा हुआ है, ये है लिक्विड ए, ठीक है, 5 लीटर था लिक्विड ए। सपोज कर लेते हैं कि इसका जो वेपर प्रेशर था, ठीक है, ये 40 टॉर था, कितना था ये 40 टॉर, ठीक है, हाँ टॉर से। एक बात और बेटा याद रखेंगे कि जब अपन जो है गैसेस स्टेट पढ़ते हैं 11th क्लास का, जब गैसेस स्टेट पढ़ते हैं उसमें अपने को क्या करना होता है कि जो प्रेशर दिया रहता है हम उसको क्या करते हैं, बार बार चेंज करते हैं प्रेशर टेम्परेचर को। लेकिन बेटा ये जो सोल्यूशन चैप्टर है हम इसमें कभी भी इन चीज़ों को चेंज नहीं करेंगे, बात आप याद रखिएगा, हम चेंज नहीं करेंगे। अगर अपना वेपर प्रेशर टॉर में है तो उसको टॉर में ही रहने देंगे, यूनिट है, ठीक है, वेपर प्रेशर एटीएम में दिया है तो चेंज नहीं करना, उसको एटीएम में ही रखना है, एमएम ऑफ एचजी में दिया है तो उसको एमएम ऑफ एचजी में रखना है, यानी कोई चेंज नहीं करना है, चाहे क्वेश्चन आपका बोर्ड का हो या कंपटीशन का हो, ठीक है, ओके है। चलिए अब आगे, वेपर प्रेशर कितना है 40 टॉर है और ये 5 लीटर का कहता है इतना था। कहते हैं कि इसको हमने क्या किया, सेम लिक्विड को अपने क्या किया, शिफ्ट कर दिया एक दूसरे कंटेनर में, एक दूसरा कंटेनर था, कहते हैं जिसका इसमें लिक्विड आ गया, ये वाला लिक्विड ए, फिर से पूरा पलट दिया इसमें। कहते हैं कि इसका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम ऑफ द वेसल कितना है, 15 लीटर, यानी इसमें 15 लीटर आ सकता है, इसमें 5 ही आता, कहते हैं 15 लीटर में डाल दिया जाए, अब बताइए इसका वेपर प्रेशर कितना होगा। बेटा मैंने क्या लिखवा रखा, ये पहला वाला एग्जांपल करवा दिया, दूसरा मैंने क्या लिखवाया, वॉल्यूम ऑफ द वेसल, यानी वेसल के वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करता है। बेटा अगर ये 5 लीटर का है और ये इसका 2 गुना 3 गुना कर दीजिए, 15 कर दीजिए, चाहे जो है 150 लीटर कर दीजिए, तो भी बेटा इसका वेपर प्रेशर अगर 40 टॉर है तो इसका भी वेपर प्रेशर 40 टॉर ही रहेगा। आगे बात समझ में आता है, इसी क्वेश्चन को मॉडिफाइड करके बता देता हूँ आगे। कहता है कि साइज और शेप ऑफ द कंटेनर पे भी डिपेंड नहीं करता है वेपर प्रेशर, ठीक है बेटा। साइज किसका मतलब, यही 15 लीटर का था, अपन ने क्या किया, एक डायग्राम ये बनाया, ठीक है, कि क्या किया गया कि यहाँ से मैंने क्या किया, इसको जो है प्योरली यहाँ से करके, यहाँ से कनेक्ट करके मैंने क्या किया, इसमें भर दिया, ठीक है, मैंने बोला कि इसका है, ठीक है, एक काम करते हैं इसको फिर से कनेक्ट करके एक तीसरे जो है सर्कुलर में मैं इसको क्या करता हूँ, फिल कर देता हूँ। अरे बात समझ में बेटा, मैंने क्या किया, इसको एक सर्किल में फिल कर दिया, मैंने बोला अब बताइए लिक्विड ए मैंने कहाँ रख दिया, अब एक जो है सर्कुलर शेप है इसमें मैंने पुट कर दिया, अब बताइए इसका वेपर प्रेशर कितना होगा। तो मैंने क्या लिखवा लास्ट में कि वेपर प्रेशर कभी भी साइज या शेप ऑफ द कंटेनर पर डिपेंड नहीं करता। अब इसको गोल कर दीजिए, चौकोर कर दीजिए, रेक्टेंगुलर कर दीजिए, हेक्सागोनल कर दीजिए, लेकिन उससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, यानी इसका भी वेपर प्रेशर कितना होगा बेटा, 40 टॉर ही रहेगा। क्या इतनी बात समझ में आती है, क्लियर है, दिमाग में अच्छे से एंट्री हो चुकी है पूरी बेटा, कोई डाउट तो नहीं है। बीपी समझा दिया, डीपी समझा दिया, बीपी पे क्या रहेगा, मैक्सिमम मिनिमम क्या रहेगा, इसको समझा दिया, ठीक है, उसके बाद आगे बीपी का पूरा एक्सप्लेनेशन समझा दिया मैंने, ठीक, उसके बाद मैंने उनके ग्राफ्स बना दिए, ठीक है, एक स्पेशल पॉइंट बताया इसमें कि वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड का कभी भी अमाउंट ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ द वेसल और शेप ऑफ कंटेनर ऑफ द जो है शेप एंड साइज ऑफ द कंटेनर पे डिपेंड नहीं करता, उस पर मैंने 3 टाइप के क्वेश्चन भी करवा दिए हैं। कोई दिक्कत बेटा, किसी को कोई डाउट तो नहीं है,
ठीक है। तो ये अपना क्या था, बीपी एंड जो है डीपी का ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बेटा जो है ये लेक्चर समझ में आया होगा। और जो पिछले जो लेक्चर हैं बेटा, कभी कभी क्या होते हैं कि सारे टॉपिक्स, अगर आप सोचते हैं बेटा सारे टॉपिक्स, तो जब मैं आपके जगह था पिता, ये फिजिकल केमिस्ट्री है, समझ रहे हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इसमें मैं आप लोगों को बोर्ड से लेकर के आईआईटी लेवल तक की चीजें पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो इसमें मे भी पॉसिबल है कि आपको सारे चैप्टर आसान नहीं होते, ना किसी चैप्टर के सारे टॉपिक्स आसान होते हैं। इसके लिए जरूरी है कि बेटा आप वीडियो देखिए, अगर कोई चीज समझ में सच पूछे तो बेटा मैं भी जानता हूं, मैं भी अगर स्टूडेंट होता आपकी जगह पे, तो वीडियो लेक्चर से मानते हैं कि दोनों में बेटा थोड़ा सा डिफरेंस तो आता ही है, जो ऑफलाइन क्लासेज होती है और ऑनलाइन क्लासेज होती है, दोनों में डिफरेंस आ ही जाता है, ठीक है। तो ये सब जो भी चीजें हैं पढ़ते रहिए, जहां पे बेटा दिक्कत आती है उन पॉइंट्स को आप किसी कॉपी पे नोट करते रहिए, या हैंड टू हैंड आप सोल्यूशन चाहते हैं तो आप क्या करिए, व्हाट्सअप कर दीजिए या कॉल कर दीजिए मुझको, ठीक है, तो मैं उसको हैंड टू हैंड क्लियर कराते चलूंगा। और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं तो आप इस पॉइंट को लिखते रहिए कि सर मुझको क्या क्या पॉइंट नहीं समझ में आए हैं, ठीक है। बीच में कभी भी डाउट क्लास लगा करके या फोन करके आप जो है मिल करके मैं आपको पूरा समझा दूंगा इसको, क्लियर है ये, ठीक है। तो बस बेटा आज की क्लास इतनी सी ही रहेगी, ठीक है, बस मेहनत करते रहिए बेटा, बिना सफलता और बिना जो है मेहनत के कभी भी सफलता आपको नहीं मिल सकती, बात याद रख लीजिए। कहीं भी अगर आपको सफल होना है, सक्सेस होना है, तो उसके लिए बेटा आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ओके है, ठीक है। तो बस आज की क्लास बेटा इतनी ही रहेगी, ठीक है। तो अपन जो है मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू बेटा।